हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा। दोस्तों, फेशियल हेयर एक महिला के लिए, एक लेडी के लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थिंग है, बिकॉज़ आपको अपने फेशियल हेयर को बार बार या तो वैक्सिंग से या फिर थ्रेडिंग से हटाना पड़ता है या फिर आपको लेज़र कराना पड़ता है। बहुत सारे ईमेल्स मेरे पास रेगुलरली आते हैं कि फेशियल हेयर को कैसे दूर करें, फेस पर, चेहरे पर अनचाहे बालों से कैसे छुटकारा पाएं, एंड क्या तरीका है जिससे नेचुरली फेस के बाल जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर रखे आई हूँ एक ऐसी होम रेमेडी, एक ऐसा नुस्खा जिसे आप रेगुलरली यूज़ करेंगे कुछ दिनों तक, तो आपके फेशियल हेयर जो हैं उनकी जड़ें वीक होने लग जाएंगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और धीरे धीरे आपके फेशियल हेयर जो हैं वो बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल रेमेडी है ये और एज ओल्ड रेमेडी है, ऐसा नहीं है कि कोई नई इजाद हुई है, बहुत पुरानी रेमेडी है। पुराने समय में लोग घर पर ही अपने चेहरे के, अपने स्किन के अनचाहे बालों से छुटकारा पाया करते थे। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि हमारी दादी, हमारी नानी या परदादी या परनानी की स्किन पर कहीं भी बाल नहीं नज़र आते हैं। इसका कारण ये है कि वो बचपन से ही कुछ ऐसी रेमेडीज़ यूज़ करते थे जिसकी वजह से उनकी स्किन पर बाल आते ही नहीं थे। इनफैक्ट अभी तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये फेशियल हेयर की प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। अपर लिप्स पर, चिन पर होने वाले बाल बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो आप ये फेशियल हेयर रिमूवल रेमेडी ट्राई करेंगे तो आपको फेशियल हेयर से छुटकारा मिल जाएगा। रेमेडी जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए जानते हैं ये फेशियल हेयर रिमूवल रेमेडी कैसे बनानी है। इसके लिए आपको चाहिए कच्चा पपीता, ये मैंने दो टुकड़े कच्चे पपीते के लिए हैं। कच्चे पपीते में पैपिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और पैपिन एंजाइम आपके बालों की जड़ों को कमज़ोर करता है और बहुत ही जल्दी आपके बाल जो हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। तो आप इस पपीते को पील कर लीजिए और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। अब आपको ये कच्चे पपीते के टुकड़े डालने हैं मिक्सी के जार में। इसमें मिक्स करना है 3 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल मिक्स करने के बाद आप इसको पीस लीजिए और एक फाइन पेस्ट आपको बना लेना है। तो इस तरीके से ये पपाया और गुलाब जल का पेस्ट रेडी है। इसमें आपको मिलाना है हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी मिलाएंगे। हल्दी भी आपके बालों की ग्रोथ को रोकती है, स्किन को फेयर बनाती है और साथ ही साथ नए बाल आने से भी बचाव होता है अगर आप हल्दी यूज़ करेंगे अपने फेस पर। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मुलेठी चूर्ण या फिर यष्टि मधु पाउडर, इसे इंग्लिश में लिकोरिश पाउडर कहते हैं। लिकोरिश जो है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को ही इतना कमज़ोर बना देता है कि वो डेड होने लगते हैं, यानी बालों का आना ख़त्म होने लगता है। तो ये 1 चम्मच इसमें हम मिक्स करेंगे। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट आप बना लीजिए। इस पेस्ट को आपको अपने फेस पर, अपने बाजू पर, अपने टांगों पर, जहाँ भी अनवांटेड हेयर है वहाँ लगाइए। इसे लगाने के बाद आपको 2 से 3 मिनट तक मसाज करनी है ताकि ये आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट हो जाए। मसाज करने के बाद आप 15 मिनट के लिए इसे लगा रहने छोड़ दीजिए और फिर ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जब आप बिल्कुल ये ड्राई हो जाए तो क्या करें, थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लें, अपने हाथों को गीला कर लें और फिर गीले हाथों से ही आपको बालों की उल्टी डायरेक्शन में मसाज करते हुए इसको उतारना है। ऐसे डायरेक्टली पानी से नहीं धो लेना है फेस, आपको मसाज करते हुए इसे वॉश करना है रेगुलरली। कम से कम 15-20 दिन के लिए ये रेमेडी अगर ट्राई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। मैजिक कुछ नहीं है कि आपके एक दिन में बाल गायब हो जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एक बार इसे लगा लो एंड योर फेशियल हेयर विल गो परमानेंटली, ऐसा कुछ नहीं होता है डियर। आपको 15 से 20 दिन तक ये रेमेडी ट्राई करनी है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी हेयर ग्रोथ लाइट होती चली जाएगी और धीरे धीरे बाल आना आपके बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो ये रेमेडी ट्राई कीजिए, फेशियल हेयर से, अनचाहे बालों से छुटकारा पाइए। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। नीचे थम्सअप का बटन है, उसे ज़रूर दबाइएगा।
एंड इस वीडियो को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़रूर शेयर करें दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़रूरत है इस रेमेडी की। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी 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 अभी, अभी कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन ऐसे दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले। तो मैं आपसे मिलूँगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ब्यूटिफुल। बाय बाय।